उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। चलिए बात करते हैं नीमच जिले के तमाम नामी अखबारों में आज किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नीमच भास्कर से। तो इसमें लिखा है, मंडी में 12,800 बोरी से ज्यादा लहसुन की आवक, अधिकतम भाव में 400 रुपए की नरमी तो न्यूनतम में तेजी। वहीं आपको बता दें कि मंडी में लहसुन, गेहूं, सोयाबीन, चना, सरसों सहित अन्य उपज की 32,701 बोरी आवक हुई है। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नीमच भास्कर ने। इसमें लिखा है, सख्ती, शुक्रवार को मंडी में हमालों के बीच हुआ था विवाद, सोमवार को लहसुन नीलामी की दो कैमरों से करवाई वीडियो रिकॉर्डिंग। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नीमच भास्कर ने। इसमें लिखा है, एक दिन के अवकाश के बाद सोमवार को कृषि उपज मंडी में 12,800 बोरी लहसुन की आवक हुई है। उतार चढ़ाव के चलते अधिकतम भाव में 400 रुपए प्रति क्विंटल की नरमी तो न्यूनतम भाव में इतनी ही तेजी रही। शुक्रवार शाम को लहसुन मंडी में हमालों के बीच हुए विवाद के बाद शनिवार को लहसुन की आवक 6,500 बोरी हुई थी, लेकिन सोमवार को आवक दोगुनी हुई। मंडी खुलने पर किसानों के वाहनों को प्रवेश दिया गया। इसके बाद लोडिंग अनलोडिंग करने वाले वाहनों को जो है ठेले वालों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान मंडी में सुरक्षा गार्ड से लेकर अधिकारी भी सतर्क रहे। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नीमच भास्कर ने। वही बात करें, शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर प्रतिदिन 50,000 लीटर शुद्ध ठंडा जल पिला रहे जल सेवा समिति ने प्राइवेट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया आरओ वाटर प्लांट। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नीमच भास्कर ने। वही बात करें नीमच पत्रिका की, तो इसमें लिखा है, गर्मी के बावजूद नहीं रुके माता रानी के भक्तों के कदम, शोभा यात्रा में उमड़े समाजन, मरी माता महारानी की शोभा यात्रा, चल समारोह में डीजे तथा मंसूर की ढोल पार्टी, माता के झांकी प्रमुख रूप से रही शामिल। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नीमच पत्रिका ने। वही जो है, खरबूज की खेती ने बदली किसानों की तकदीर, देश ही नहीं विदेश में मगज की डिमांड। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। जिले के रामपुरा, चचोर, कुंडवासा व कुंडला के किसानों ने अपनाई आधुनिक खेती। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नीमच पत्रिका ने। वहीं लिखा है, कलेक्टर जैन व एएसपी सिसोदिया ने अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल पर तैयारियों का लिया जायजा। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नीमच पत्रिका ने। वहीं बात करें दशपुर एक्सप्रेस की तो इसमें लिखा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं पर किसी को खास नागरिक नहीं मानेंगे। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। पीएम मोदी का जो है ये बयान है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है पर किसी को खास नागरिक भी नहीं मानेंगे। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है दशपुर एक्सप्रेस ने। वहीं 10 साल 70 करोड़ रुपए से अधिक खर्च, फिर भी शहर प्यासा, क्या यही भाजपा का सुशासन? नीमच का पेयजल संकट और इनका नेता भानु प्रताप सिंह राठौर का तल्ख सवाल। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है दशपुर एक्सप्रेस ने। वहीं मानसून पूर्व शहर शुरू नहीं हुई नाले नालियों की सफाई, नपा की लचर कार्य प्रणाली। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है दशपुर एक्सप्रेस ने। वहीं विडम्बना, गर्मी के मौसम में आए दिन फूट रही है लाइन, वहीं संकट की दौर में व्यर्थ बह रहा है जल। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि नीमच सिटी में जैन छात्रावास के सामने फूटी पाइपलाइन, वहीं अंबेडकर कॉलोनी के पुल पर ज्वाइंट हुआ लीकेज, वहीं हजारों लीटर पानी जो है बह चुका था। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है दशपुर एक्सप्रेस ने। वहीं बात करें नई विधा की, तो इसमें लिखा है, पारा हुआ 43 पार, गर्मी ने झुलसाया, उफ ये गर्मी, 25 मई से शुरू होगा नौतपा। इस बार नौतपा में गर्मी के साथ बादल बारिश के आसार भी है। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नई विधा ने। वहीं अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण करेगी सरकार, फिर से होगा सर्वे, कोई भी कॉलोनी नहीं होगी वैध, शिवराज से उलट मोहन नीति, 20 चुनाव से पूर्व शिवराज ने कहा था सभी कॉलोनियां होंगी वैध। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नई विधा समेत नीमच जिले के तमाम नामी अखबारों ने जो इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है और इस खबर ने जो है सुर्खियां बटोरी है। आपको बता दें कि वॉइस ऑफ एमपी ने भी इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था और इस खबर ने जो है सुर्खियां बटोरी है। वहीं आपने भी लगवाई है कोवैक्सीन तो अब डरने की जरूरत नहीं, आईसीएमआर का जो है ये बयान है। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसमें लिखा है, कोरोना की वैक्सीन को लेकर हाल ही में कई डराने वाले दावे सामने आए हैं, अब इन दावों को आईसीएमआर ने गलत बताया है। कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट पर बीएचयू अध्ययन पर आईसीएमआर ने एतराज जताया है। इस खबर को जो है प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है नई विधा ने। ये थी नीमच जिले के तमाम नामी अखबारों की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपको बताई। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रही है वॉइस ऑफ एमपी के साथ।